bismillahir rahman rahim students we are studying chemistry ninth class ptb syllabus today we are to start chapter 1 that is about fundamentals of chemistry in this chapter certain basic things will be discussed which lay the foundation of chemistry for example we shall discuss branches of chemistry Basic definitions will be discussed. Chemical species will be explained. We shall discuss about Avogadro number or mole. Then chemical calculations will be explained. These are different uh, learning outcomes which the students will be able to develop after studying this chapter. For example, the different terms. Uh, which are used in chemistry. They will be able to understand <coughs> these terms. They will develop different concepts of chemistry. Certain calculations, etc., they will also be discussed uh, about uh, different things uh, which are used in our daily life. They will be explained. First of all, it is the introduction. It is discussed here. What is science? First of all, about science, you will be explained what is science before starting specifically about chemistry. What is science? It is discussed here understanding the world, this world in which we are living. To understand this world, what is this and how different things are working in it. जिस वर्ड में हम रहते हैं हम उसको अंडरस्टैंड करें कि वो क्या है इसमें मुख्तलिफ जो चीजें हैं वो कैसे काम कर रही हैं, तो ये सारा जो नॉलेज है इसको हम क्या कहते हैं साइंस देन वट इज केमिस्ट्री केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस फॉर इफेक्टिव स्टडी ऑफ साइंस

मैटर क्या होता है एनी थिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर एनी थिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर तो हम केमिस्ट्री के अंदर मैटर की कंपोजिशन को देखेंगे मीन्स कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं फिर स्ट्रक्चर कि इसके कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट कैसे है इसके अंदर फिर प्रॉपर्टीज क्या हैं उसकी जिस भी हम मैटर को स्टडी कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या है उसमें केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं सिंपल <coughs> मैं कंपोजिशन uh, क्या है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जब हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसके अंदर तो ये उसकी कम्पोजिशन स्टडी कर रहे हैं फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसके अंदर अरेंज्ड कैसे हैं उसके मालिक्यूल की स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर डिस्कस होगी स्ट्रक्चर बनेगी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरह से अरेंज होते हैं पानी के अंदर फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं फॉर एग्जांपल वाटर की क्या प्रॉपर्टीज है वो कलरलेस है ऑर्डरलेस है टेस्टलेस है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है इट एक्सटिंग्विशेस फायर आग को बुझा देता है तो ये उसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शंस हम वाटर के अंदर क्या रिएक्शन से मसल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो आपस में कैसे मिलते हैं और वाटर बनता है वाटर अदर सब्सटेंसेस के साथ अदर केमिकाल के साथ कैसे रिएक्शन करता है ये सारी चीजें कि जब हम पानी के अंदर कुछ चीज़ और डालते हैं तो क्या होता है वाट हैसेस तो दीज आर द रिएक्शंस मैटर ऑल दीज वी स्टडी इन केमिस्ट्री नेक्स्ट बताया कि विद एवरी तो एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ कि हम हमारी जो जिंदगी है इसके हर पहलू को डील करती है हमारी जिंदगी की सॉरी फीचर्स को डील करती है कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ अगर हम अवा, हमारा देखें अपनी जिंदगी का केमिस्ट्री इज देयर इट इज इन्वॉल्व इन देयर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेक्स्ट इट इज मैं टेक्नोलॉजी साइंस तो हमने स्टडी कर लिया इट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड नॉलेज है एंड टेक्नोलॉजी क्या है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल वी कैन से एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल अगर हम साइंटिफिक नॉलेज को साइंस का जो इल्म है केमिस्ट्री हो अचेज हैं साइंस की अगर हम इस नॉलेज को प्रैक्टिकल तो इट इज टेक्नोलॉजी हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं जो हमें मिली हैं किसी और की डेवलपमेंट से टेक्नोलॉजी की तरक्की से हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सी सहूलतें हमें मिली हैं इमेजन द रोल इन इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चीजें बताई जा रही हैं जस्ट टू एक्सप्लेन जस्ट टू मेक इट क्लियर हाउ सा हाउ केमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट बेसिकली केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस यहाँ पे डिस्कस होगी फॉर एग्जाम्पल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पहली चीज बताई गई है पेट्रोकेमिकलिकल प्रोडक्ट दोन पेट्रोलियम नॉट इज पेट्रोलियम पेट्रोलियम आपने सिर्फ ये नहीं समझना कि ये पेट्रोल जो हम गाड़ियों में यूज करते हैं यही पेट्रोलियम होता है इसका बेसिकली ये एक फ्रैक्शन है पेट्रोलियम की दैट इज कैसोलिन जिसको हम गाड़ियों में मोटरसाइकिलों में गाड़ी में यूज करते हैं ये गैसोलीन है यहाँ पे जो बात पेट्रोकेमिकल्स की हो रही है ये क्रूड आयल जो हमें जमीन से मिलता है उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और उस प्रोसेसिंग के दौरान हमें मुख्तु किस्म के प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हैं पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट मेडिसन्स <coughs> अद्वियात होगी जो डिफरेंट डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं एंड ड्रग्स अब ड्रग्स क्या हैं ड्रग ब्रॉड कैटेगरी है ड्रग की ही आगे दो कैटेगरीज जा आ जाती हैं मेडिसन एंड नारकोटिक्स अगर ड्रग डॉक्टर एडमिनिस्टर करेगा डॉक्टर सजेस्ट करेगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज हम उसको मेडिसन कहेंगे और अगर यही ड्रग बगैर डॉक्टर की इनवॉल्वमेंट के डॉक्टर की कंसल्टेशन के कोई बंदा अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए पर्सनल सैटिस्फैक्शन के लिए यूज कर रहा है तो ये उसका मिसयूज है इट इज कॉल्ड नारकोटिक्स मिसयूज ऑफ ड्रग यू कैन से मिसयूज ऑफ ड्रग इज देयर नारकोटिक्स सो साबन हो गया फॉर क्लीनिंग पर्पसेस जो के यूज करते हैं हम कपड़ों, कपड़ों वगैरह की सफाई के लिए फॉर बाथिंग पर्पसेस डिटर्जेंट्स डिटर्जेंट्स क्या हैं ये भी क्लीनिंग सब्सटेंसेस हैं ये सोप से बेटर वर्क करते हैं क्योंकि ये हार्ड वाटर के अंदर भी आ, काम करते हैं जिसमें सोप काम नहीं करता उस पानी के अंदर भी ये काम करते हैं इन पेपर कागज वगैरह हो गया प्लास्टिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हम प्लास्टिक से बनाते हैं मुख्तु किस्म की चीजें बनाते हैं पेंट्स पेंट Paint क्या है पेंट इज अ मटीरियल दैट इज यूज टू कलर एनी ऑब्जेक्ट पेंट वो मटेरियल uh, होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर कर सकते हैं एंड व्हाट इज पिगमेंट पिगमेंट इज दस दैट इज यूज टू कलर एनी मटेरियल पिगमेंट के जरिए हम किसी भी मटेरियल को कोई भी कलर दे सकते हैं क्योंकि तो ये पिगमेंट्स डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट बेसिकली कलर है तो किसी भी मेटीरियल को कलर देना हो तो उसके लिए पिगमेंट यूज करते हैं Insecticides, those chemicals which are used to kill insects. And pesticides, those chemicals which are used to kill pests. Now, what's the difference between insects and pests? Pests are harmful insects, destructive insects. Those insects which attack crops, food, livestock, etc. These are called pests. सारे इंसेक्ट्स जो है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होते जो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स हैं हम उनको पेस्ट कहते हैं लेकिन इंसेक्ट्स को भी बेशक वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है अगर हम उनको कंट्रोल करने करना चाहते हैं उसके लिए भी केमिकल्स हैं जो कि यूज की जाती हैं तो वो इंसेक्टिसाइड्स कहलाते हैं वो केमिकल्स जो इंसेक्ट्स के लिए यूज करेंगे वो इंसेक्टिसाइड्स और जो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स यानी पेस्ट के लिए यूज करेंगे उनको किल करने के लिए वो पेस्टिसाइड्स हैं हम अपनी फसलों को इन के अटैक से बचाना चाहते हैं पैदावार को बेहतर करना चाहते हैं तो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं अब ये जितनी चीजें बताएगी बताया कि, कि ये सारी चीजें हमें कैसे मिली की का नतीजा है मेहनतों का फल है जो केमिस्ट्री के रखने वाले लोग हैं ये उन्हीं की काविशों का नतीजा है कि ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है नेक्स्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री हैज जनरेटेड टॉक्सिक वाटर एंड पोल्यूटेड एयर अराउंड अब केमिकल इंडस्ट्री के इंडस्ट्री इन विच डिफरेंट केमिकल्स केमिकल प्रोड्यूस जितने भी केमिकल्स आपने पहले पढ़े हैं ये सारे इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं तो केमिकल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट से ये सारी चीजें तो हमें मिल रही हैं, लेकिन उसका नुकसान क्या हो रहा है कुछ साथ टॉक्सिक वेस्ट पैदा होते हैं पॉइजनस सब्सटेंसेस पैदा होते हैं जहरीले मादे पैदा होते हैं कंटेमिनेटेड वाटर कंटेमिनेशन कैसे कहते हैं मिक्सिंग ऑफ एनी अनडिजायरेबल सबसांस इन वाटर थिंग ड्यू टू विच इट दैट थिंग बिकम्स यूजलेस किसी अनडिजायरेबल चीज की मिक्सिंग हो जाना किसी भी हमारी इस्तेमाल की चीज में तो उसको कंटेमिनेशन कहते हैं कंटेमिनेटेड वाटर पानी का आलूदा हो जाना पोल्यूटेड एयर हवा के अंदर डिफरेंट गैसेस वगैरह पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं हवा में मिक्स हो जाती हैं तो हवा जो है वो आलूदा हो जाती है <coughs> अब ये टक्स एक वेस्ट हों वो हवा में जा रहे हों या पानी के अंदर डिस्चार्ज कर दिए जाएं जैसे वाटर पोल्यूशन हो एयर पोल्यूशन हो सॉयल पोल्यूशन अगर हम पे हम थ्रो कर देते हैं तो बताया कि केमिकल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट से ये प्रॉब्लम्स भी जनरेट हुए हैं ऑन द अदर हैंड अब दूसरी तरफ देखें केमिस्ट्री की इसमें एप्लीकेशन क्या आती है केमिस्ट्री इज देयर दैट इज प्रोवाइडिंग अस द नॉलेज एंड इंप्रूव आवर हेल्थ एंड एनवायरमेंट हम अपनी सेहत को इंप्रूव करना चाहते हैं हम अपने एनवायरमेंट को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये केमिस्ट्री ही है जो कि ये सारा नॉलेज हमें प्रोवाइड करती है जैसे कि हम क्या करेंगे टू एक्सप्लोर एंड टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती तौर पे हमें जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमें मैसर की हैं हम उनको तलाश करें और उनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं उनको महफूज कैसे रख सकते हैं <laughs> so how can we find these resources and how can we conserve them for our future use this type of knowledge and different techniques these have also been being provided to us by chemistry. Now in this chapter it is discussed that we should study about different branches of chemistry.

तो उसके अंदर केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद हैं आप कपड़ों को ले लें हम जो कपड़े पहनते हैं अगर कॉटन के हैं तो उसमें सेलोलोज है सेलोलोज केमिकल है अगर हम कोई आर्टिफिशियल फाइबर यूज़ कर रहे हैं नायलोन यूज़ कर रहे हैं एक्रिलान यूज कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के जो फाइबर्स यूज़ कर रहे हैं ये सारे फाइबर के हैं ये केमिस्ट्री की पैदावार है केमिकल सब्सटेंसेस हैं हम पानी यूज़ करते हैं ए टू वाटर केमिकल है, है। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं उसके अंदर डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस उसमें नाइट्रोजन गैस है इसके अलावा और गैसेस मौजूद हैं नोबल गैसेस हीलियम नियॉन वगैरह तो वो सारे क्या हैं केमिकल्स हैं हम अपनी खुराक को देखें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों फैट्स हों प्रोटीन्स हैं ये सारे केमिकल्स हैं जैसा हमारी खाने पीने की चीज़ें हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें जितने भी हैं वो सारी केमिकल्स से बनी हुई हैं सब्सटेंसेस से बनी हुई हैं उनकी कंपोजिशन को देखो तो केमिकल्स हैं सो इट्स नॉट रॉन्ग टू से दैट वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स केमिकल्स कि हम की दुनिया में रह रहे हैं ये गलत बात नहीं वी आर डिपेंड अपॉन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा कि हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं एंड ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर वाटर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर सर्वाइवल ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर दीस सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल दे नीड वाटर दे नीड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द सर्वाइवल दे कांट सरवाइव इफ दीस सब्सटेंसेस आर नॉट अवेलेबल वाटर को देख लें किस कदर इंपॉर्टेंट है कि हम खुराक के बगैर तो ज्यादा दिन जिंदा रह सकते हैं लेकिन पानी के बगैर नहीं इसे ऑक्सीजन को देखें सांस लिए बगैर कुछ देर भी जिंदा नहीं रह सकते ज्यादा देर नहीं जिंदा रह सकते कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट्स इसी कार्बन डाइऑक्साइड को और ये पानी जो है इसको मिलाकर फोटोसेंसिस के दौरान ग्लूकोज बनाते हैं जिससे बाद में जो है वो अदर न्यूट्रिएंट्स भी बनते हैं फूड सब्सांसेस जो बाकी हैं प्रोटीन वगैरह फैट्स हैं वो बनते हैं तो स्टार्ट किससे हो रहा है वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से

डे डे नाइट नाइट सर्विंग हो रही हम जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो केमिस्ट्री के नॉलेज की बेस पे बनाई गई है तो इसलिए कहा इस ब्रांचेस के बारे में बताया गया जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है मेन ब्रांचेज फिजिकल केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवाटल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री तो ये ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इज देयर फिजिकल केमिस्ट्री वट इज फिजिकल केमिस्ट्री वी कैन डिफाइन इट इट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग चेंजेस इन दैम कि हम इस ब्रांच के अंदर कैसे स्टडी करते हैं रिलेशनशिप को किसका रिलेशनशिप कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कि हम मैटर की कंपोजिशन को देखते हैं और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको स्टडी करते हैं मीन्स के जिस तरह की मैटर की कंपोजिशन है वैसे ही उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आ रही हैं <coughs> तो उसकी कंपोजिशन क्या है वाटर की एग्जांपल ले लें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसके अंदर मौजूद है अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आ रही है वाटर लिक्विड है कलरलेस है टेस्टलेस है ऑर्डरलेस है ठीक है ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है एंड अलॉन्ग विद चेंजेस इन दैम का वर्ड किसके लिए कंपोजिशन भी और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों के लिए कि इनके अंदर चेंजेस क्या होती हैं हम उसको भी फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं फॉर एग्जाम्पल आप देखें पानी को जब हम फ्रीज करते हैं तो बर्फ बन जाती है अब बर्फ जो बनी है तो क्या चेंज आई है पानी के अंदर ये फिजिकल प्रॉपर्टी है जो चेंज हुई है पहले पानी लिक्विड था अब वो सॉलिड बन गया है तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है इस चेंज को भी हम स्टडी करेंगे और याद रखें कि जब पानी बर्फ में चेंज होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं बाद में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में तो इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है पानी के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट चेंज uh, हो जाती है स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो जाती है और एम्प्टी क्रिएट हो जाती हैं पानी के अंदर जब बर्फ बनती है और याद रखें कि बर्फ का वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम से नाइन uh, परसेंट ज्यादा हो जाता है जो एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया है कि वन वाटर वॉल्यूम इनक्रीजेज नाइन परसेंट का मतलब आप यूं समझ लें कि अगर पानी का वॉल्यूम था हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब तो बर्फ बनेगी जब वो हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब पानी जब बर्फ में चेंज होगा तो उसका वॉल्यूम होगा वन जीरो सेंटीमीटर क्यूब परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा नाउ व्हाट इज स्कोप ऑफ दिस ब्रांच दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री

उसका क्या बिहेवियर है इसमें कोई भी सॉलिड आप ले लें वैसे मेटल्स को ले लें मेटल क्या है हॉड है उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है अगर ये सब की जो चीजें हैं

डेरेवेटिवीन दो हाइड्रोकार्बन इन हाइड्रोकार्बन से आगे जो हम बनाते हैं दूसरे कंपाउंड तो वो डेरेवेटिवते हैं और वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो तो उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं और ये सारे क्या है कोवलेंट कम्पाउंड कंपाउंड या तो कोवलेंट होते हैं या आयनिक होते हैं कोवरेंट कंपाउंड वो है जो कोवरेंट बॉन्ड्स के जरिए बनते हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है आटम्स के तो कोवरिट बॉन्ड याद रखना है और कैसे बनता है अभी सिंपली याद रखे की ये वो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं जो आइटम्स को आपस में जोड़ कर रखती हैं और मालिक्यूल्स बनते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो कंपाउंड्स है ये हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं और इनसे जो आगे दो से बनाए जाते हैं वो इसके डेरिवेटिव्स कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताया कि नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं जो भी बनाए जाते हैं ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये लेबोरटरी में भी बनाए जाते हैं यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी बात एक्सप्लेन कर दू कि पहले एक साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट था ब्रजीलियस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें उसने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते तो ब्राजिलियस ने ये कहा ये 19 सेंचुरी की बात है 1816 इसकी डेट आती है जो बुक्स में आती है इवन 1809 भी जो है वो मेंशन है कहीं कहीं तो ब्राजिलियस का ये कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वी कैन नॉट प्रिपेयर दीस कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी

एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ने कम्पाउंड अब चाहे वो नेचुरली अकर कर रहे हैं नैचुर पाए जाते हैं, हैं जानवरों से ले रहे हैं या हम खुद लेबोरेटरी में बना रहे हैं तो इनकी स्ट्रक्चर और इनकी प्रॉपर्टीज हम ऑर्गेनिक के तहत स्टडी करते हैं इस ब्रांच का स्कोप क्या है इसका एरिया स्टडी क्या है जिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पेट्रोलियम ये क्रूड ऑयल जिसको हम जमीन से हासिल करेंगे उसे डिफरेंट पैट्रोकेमिकल्स का बनाया जाना डिफरेंट उसके फ्रैक्शन को अलहदा करना और इस्तेमाल में लाना देखिए पेट्रोकेमिकल्स वो चीजें आ गई और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के हैं अद्वियात बनाने वाली इंडस्ट्रीज डिफरेंट टाइप्स की जो मेडिसन हम बनाते हैं तो ये इसमें आप आएगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, में। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री Are -key derivatives -key study, जो organic chemistry में होती है तो इसके अलावा बाकी जितने कंपाउंड हैं उन सबकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक करते हैं इसका स्कोप बताया गया इट हैज एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री मीन वो इंडस्ट्री जिसमें केमिकल कंपाउंड्स तैयार किए जाते हैं तो कहा कि इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं केमिकल इंडस्ट्री के जितने भी पहलू हैं उन सब के अंदर हम इसको अप्लाई करते हैं ग्लास है सीमेंट है सिरेमिक्स है मेटलर्जी है गिलास शीशा हो गया या शीशे की चीजें बनाना <coughs> सीमेंट जो कि एक बिल्डिंग मटेरियल है सिरेमिक्स क्ले का यूज होता है क्ले जैसे कि मुखलिफ आगे बर्तन बनाते हैं मेटलजी के एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देर ओर्स ओर्स वो मटेरियल है जो हमें रॉक से साल से मिलता है जिसके अंदर मेटल के कंपाउंड्स होते हैं उसे हम ओर कहते हैं अब उस ओर में से मेटल्स को अलहदा करना जो है ये प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाता है जिसको जी का नाम देते हैं इसके लिए टर्म मैटोलॉजी की यूज होती है नेक्स्ट है बायो केमिस्ट्री इट्स इन विच वी स्टडी स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम हम इस ब्रांच के तहत मुख्तलि जो स्टडी करते हैं हम डिफरेंट सब्सांसिस की स्ट्रक्चर की वो बनावट कैसे है उनकी कि उनकी कंपोजिशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से एलिमेंट्स से वो बने हुए हैं, कि उन के क्या होते हैं? और कौन से पाए जाते हैं जैसे देखें कार्बोहाइड्रेट्स हैं प्रोटीन हैं फैट्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स हैं इस किस्म के जो सब्सांसिस हैं हम उनकी स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे कॉम्पोजिशन भी उनकी

फोटोसिंथेसिस जो है वो है जिसमें सब चांसिस बनते हैं और रेस्पिरेशन uh, जो है वो कैटाबोलिज्म है जिसमें और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, होती है। <coughs> तो सिंथेसिस भी और मेटाबोलिज्म जो है ये चीजें हम इसमें स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में एग्जाम्पल्स आगे दी एप्लीकेशन ऑफ बायो केमिस्ट्री की दे आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर

बेसिकली uh, तो हम केमिकल्स uh, को ही स्टडी करते हैं बाकी उसकी तहकीक वगैरह जो है रिसर्च ये डिफरेंट uh, टाइप्स uh, uh, के सीड्स वगैरह का बनाया जाना तो uh, इसमें ज्यादातर जो है हम एग्रीकल्चर में हम बायो केमिस्ट्री का जो रोल uh, देखेंगे तो वो ये होगा कि हम मुख्त किस्म केमिकल्स कौन से हैं जो हम अपनी फसलों की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं हम अपनी क्रॉप्स को पेस्ट से कैसे बचा सकते हैं ये इस किस्म की चीजें या हम ये भी एग्रीकल्चर में स्टडी करेंगे कि कौन सी ये चीज़ें हैं जिनसे साल की फर्टैलिटी को इंक्रीज करने के लिए साल की फर्टेलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम कौन से केमिकल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं

कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो खुराक से एनर्जी कैसे हासिल करते हैं जो आप हम जानते हैं कि खुराक की जब ब्रेकडाउन होती है तो उससे एनर्जी पैदा होती है तो एनर्जी प्रोडक्शन का ये प्रोसेस कैसे होता है जब इसको स्टडी किया गया और जब कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी के दौरान कौन सी बायोलॉजिकल चेंजेस हैं जो आ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं जब ये चीजें स्टडी हुई तो कहा कि बायोलॉजी जो बायोकेमिस्ट्री है इसका एक अलहदा डिसिप्लिन बनाया गया यानी ये उस वक्त ये ब्रांच वजूद में आई ये येहदा इसको कंसीडर किया गया जब ये चीजें स्टडी की गई डिजीजेस के दौरान होने वाली चेंजेस और खुराक की ऑक्सीडेशन कैसे होती है खुराक से एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है इस तरह की चेंजेस जो है वो जब हम हमने स्टडी की नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग of chemical compounds on commercial scale. Commercial scale me industries ke andar large scale पे for providing them in the market so that these things can be used by other people. एक वो cottage industry. करेलू istemal ki cheeze banana. अपनी ज़रूरत की चीजें बनाना, वो cottage industry कहलाती है. ये commercial scale पे use और commercial scale पे manufacturing chemical compounds की. ये industrial में होती है स्कोप। इट विद द मैन्युफैक्चरिंग बेसिक केमिकल्स लाइक ऑक्सीजन है क्लोरीन, अमोनिया कास्टिक सोडा नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ये मुख्तलि किस्म के केमिकल्स हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होते हैं तो इनको मैनुफेक्चर करना इनको बनाना ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आता है कि कैसे ये चीजें बनाई जाती हैं इनके मटेरियल क्या हैं, फिर प्रोसेस कौन से हैं, जिनसे के इनको हम बनाते हैं। तो दीज केमिस्ट्री में ये और कई इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होते हैं फर्टिलाइजर्स के अंदर फर्टिलाइजर्स इन इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होती हैं तो वहां मटेरियल के तौर पे यूज होते हैं आप सोप इंडस्ट्रीज को देखें टेक्सटाइल्स कपड़े की जो इंडस्ट्री है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को देखें एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स जैसे के ये पॉइजन स्प्रे वगैरह जो हैं ये आ जाते हैं फर्टिलाइजर्स uh, वगैरह जो हैं वो भी उनके एग्रीकल्चर से रिलेट कर सकती हैं पेंट्स जो कि डिस्कस किया द मटीरियल पेंट जिसको मैंने पहले भी बताया कि पेंट जो है ये वो मटीरियल होता है दैट इज सपरेड ओवर द सर्फेस ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट एंड वट इज द दर्पज ऑफ पेंटिंग पानी या हवा का कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता मेटल के साथ और उसकी रस्टिंग नहीं होती तो रस्टिंग के लिए याद रखें ऑक्सीजन और मॉस्चर जो पानी है इन दोनों का कॉन्टेक्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है अगर दोनों में से कोई एक चीज भी ना हो तो रस्टिंग नहीं होती लिहाजा आप किसी भी चीज को रस्टिंग से बचाना चाहते हैं तो या उसको ऑक्सीजन ना पहुंचने दें या उस तक नमी ना पहुंचने दें कोई एक चीज जो है इससे उसको डिप्राइव कर दें रस्टिंग विल नॉट टेक प्लेस एंड पेपर वगैरह कागज जो है तो उसके लिए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज है, होते हैं chemicals uh, होते हैं केमिकल्स जो कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं नेक्स्ट इज देयर न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज रेडियो एक्टिविटी क्या है रेडियो एक्टिविटी कहते हैं अमिशन ऑफ रेडिएशंस सपोंटेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से खुद ब खुद रेडिएशंस का निकलना अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं हम पीरियडिक टेबल

तो इसलिए उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्योंकि रेडियो एक्टिव रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो अमिशन है रेडियोशन की एलिमेंट्स ये प्रोसेस कहलाता है ये, ये फिनोमिना कहलाता है रेडियो एक्टिविटी नेक्स्ट इज न्यूक्लियर प्रोसेस न्यूक्लियर प्रोसेस न्यूक्लिय न्यूक्लियस के अंदर होने वाले प्रोसेस न्यूक्लियाई में होने वाली चेंजेस फॉर न्यूक्लियर फिशन को देखें न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह है न्यूक्लियर की ब्रेक डाउन जब होती है उनमें क्या चेंजेस आती हैं और प्रॉपर्टीज वगैरह क्या हैं न्यूक्लियर की तो ये सारी चीजें हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं अब इसका स्कोप क्या है मेन ऑफ दिस है कि इट इज इज विद एनर्जी 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 मीन बाय द ब्रेक डाउन ऑफ एटम्स बाय ब्रेकिंग ऑफ एटम्स जैसा मैंने न्यूक्लियर फिशन के दौरान बताया एटम ब्रेक होता है उससे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसके यूजेस के हमारे डेली लाइफ में हमारे रोजमर्रा जिंदगी में उसके यूज क्या हम बस एनर्जी का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर देखें न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यहाँ पे पावर जनरेशन होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं उनमें न्यूक्लियर रिएक्टर में यही अटामिक एनर्जी है जो एटम्स की ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी आगे कहाँ यूज होती है वो हीट है जो प्रोड्यूस होती है हीट से वाटर को स्टीम में चेंज करते हैं स्टीम से दी जाती है इट ऑल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम दब्जॉर्ब रेडिएशन विद इन एनिमल्स प्लांट्स एंड अदर मेटीरियल

ये डिफरेंट वराइटीज जो सीड्स वगैरह के प्रोड्यूस की जाती हैं वेरिएशन प्रोड्यूस की जा सकती हैं मटेरियल्स के अंदर आयोनाइजेशन होती है तो ये रेडिएशंस के इफेक्ट्स हैं इट हैज वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट बताया रेडियोथेरापी रेडियोथेरापी मीन ट्रीटमेंट विद रेडिएशन रेडियोथेरापी कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होती है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड खुराक को महफूज बनाना

हमारे जो भी हैं, हम इसको अपना हमारा है। तो इस एनवाइ के अंदर डिफरेंट जो कॉम्पोनेट है जो कि इन कॉम्पोन को, अफेक्ट हैं। को अफेक्ट हैं। तो इन सारी चीजों की स्टडी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आती है जैसे बर्निंग प्रोसेसेस है एक्सेसिव बर्निंग एंड डीफॉरेस्टेशन ये इस किस्म की एक्टिविटीज हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं अब स्कोप के अंदर बताया कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी है जो कि लिविंग थिंग्स की स्टडी है बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स जियोलॉजी है जियोलॉजी ये इट इज द स्टडी ऑफ अर्थ अर्थ की स्टडी डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन जो है अर्थ के उनको स्टडी करना उसकी उनके क्रेटिस्टिक्स को फीचर्स को स्टडी करना इकोलॉजी इट इज द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद विद अमंग दम सेल्स एंड विद एनवाट एक बायोलॉजी की ब्रांच है बेसिकली इकोलॉजी जो है इसके अलावा साइल के स्ट्रक्चर वगैरह कंपोजिशन को प्रॉपर्टीज को स्टडी करना वाटर को स्टडी करना ये सारी चीजें भी इसमें

ताकि हम इस एनवायरमेंट को इम्प्रूव कर सकें इस एनवायरमेंट की इम्प्रूवमेंट अगर हम चाहते हैं इसकी हम प्रोटेक्शन चाहते हैं पोल्यूशन से आलूदगी से इसको बचाना चाहते हैं तो हमें इस के अंदर होने वाले को जानना होगा समझना होगा ताकि हम उनको कंट्रोल कर सकें और ये सारा जो प्रोसेस है ये पॉसिबल कैसे है केमिस्ट्री की स्टडी से एंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच कवर्स दिस एरिया it is environmental chemistry next is analytical chemistry <coughs> analytical chemistry is a branch of chemistry that deals with the separation and analysis of a sample to identify its components in this ke andar hum kya karte hain hum kisi bhi मटेरियल uh, को स्टडी करना चाहते हैं तो हम उस मटेरियल का थोड़ा सा हिस्सा जो है उसको अलग करते हैं उसको कहते हैं सैंपल उस सैंपल उसको हम सैंपल कहेंगे फिर हम उस सैंपल को स्टडी करते हैं उसकी स्टडी होती क्या है हम देखते हैं कि उसके उसके अंदर अंदर कौन 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 से कौन -कौन से कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स हैं हैं ये है एनालिसिस और वो किस रेशो में मौजूद हैं ये क्वालिटेटिव क्वानिटेटिव स्टडी आती है नेक्स्ट बताया ना सेपरेशन इज क्रीड आउट प्रायर टू क्वालिटेटिव एंड एनालिसिस क्या हम देखना चाहते हैं ना कि किसी हमारे पास एक बहुत बड़ा स्टॉक है किसी भी मेटीरियल का हम उसकी करना चाहते हैं। तो उससे पहले प्रायर टू इट उससे पहले हम क्या क्या स्टडी से पहले क्या करेंगे अब उस सैंपल की हम स्टडी क्या करेंगे हम उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे फिर हम उसकी क्वान्टिटेटिव एनालिसिस करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस से हमें क्या पता चलेगा हम कंपोनेंट्स को देखेंगे डिफरेंट केमिकल सपेस को हम देखेंगे जो कि उस मटेरियल के अंदर मौजूद हैं <coughs> कोई भी जो है कोई भी जो हमारा मटेरियल था जिसका हमने सैंपल लिया है तो उसके अंदर देखना कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ठीक है टाइप ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं टाइप ऑफ तो ये क्या क्वालिटेटिव एनालिसिस उसके बाद हम करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के जब पता चल जाता है कि इस मटेरियल में ये ये कंपोनेंट्स मौजूद हैं तो हम फिर उन कंपोनेंट्स की अमाउंट को देखते हैं कि हर कंपोनेंट जो है वो कितनी कितनी अमाउंट में मौजूद है उस सैंपल के अंदर तो ये कहलाती है क्वान्टिटेटिव एनालिसिस लिहाजा इस ब्रांच के अंदर जो है डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज करते हैं और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हमें यूज करने पड़ते हैं ताकि हम प्रॉपर एनालिसिस जो है वो कर सकें क्वालिटेटिव भी और क्वान्टिटेटिव भी तो इसका स्कोप क्या है ये कवर करती है फूड वाटर एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस फूड के एनालिसिस क्या है कि खुराक कोई भी है उसको हम देखेंगे ये मुजरिसियत तो नहीं है ये इंसानी इस्तेमाल के काबिल है या नहीं है ये एनालिसिस है उसकी। इसमें क्या कोई पॉइजन पॉइजन तो नहीं है कोई पॉइजनस मटेरियल तो नहीं है कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट तो नहीं है इसके अंदर फिर वाटर को हम देखेंगे कि वो प्योर है या वो पोल्यूटेड है क्या उसमें कोई पॉइजनस केमिकल्स हैं क्या उसमें कोई जम्स वगैरह हैं ये चीजें है। एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या है हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें क्या है एयर एफ आसम एयर है, है सॉयल है हम उसकी स्टडी करेंगे क्लिनिकल एनालिसिस क्या है कि कोई भी जो मेडिसन वगैरह हैं जो डिफरेंट पेशेंट्स को हमने यूज करवानी है तो मेडिसन हम देखेंगे कि ये मेडिसन यूजफुल है या ये हार्मफुल है पेशेंट्स जो है उसकी सेहत से बेहतर हो सकती है या सेहत और खराब हो सकती है तो ये चीजें जो है स्टडी करते हैं दीज वर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ दैट वी नाउ इट इज जस्ट मिनी एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ दिस लेसन टेस्ट योरसेल्फ 1.1

इसमें हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस विच आर टेक प्लेस डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द मेटाबोलिक प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन आर स्टडीड तो ये बायो है विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद अटामिक एनर्जी एंड इट्स यूजेज इन डेली लाइफ ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री है

That will be their basic definitions. Basic definitions, which we'll discuss tomorrow. Okay, but law of is.